नमस्कार, स्वागत है न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कोरोना काल में मंदी की मार झेल रहे प्रदेशवासियों को लेकर एमपी की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शिवराज सरकार ने रियल एस्टेट को बड़ी राहत दी है। शिवराज सरकार ने प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर सेस 3% के स्थान पर 1% कर दिया है। बीते 10 सालों में मध्य प्रदेश सरकार से स्टाम्प ड्यूटी कम करने की मांग की जा रही थी, जिसे हर बार सरकार घटाने की बजाय बढ़ा देती थी, लेकिन अब उपचुनाव से पहले सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब से नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीद पर सेस में 3% के स्थान पर 1% लगेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोविड-19 की परिस्थितियों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना आवश्यक था। हर व्यक्ति का अपने घर का सपना होता है। प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी। उपचुनाव से पहले राज्य सरकार के इस फैसले को बड़ा निर्णय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण रियल एस्टेट भी प्रभावित हुआ है। हमारा प्रयास है कि इस सेक्टर में भी बूम आए। इसे देखते हुए नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री पर सेस 2% कम करने का निर्णय लिया गया है। यह छूट 31 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। हर व्यक्ति का परिवार एक सपना होता है, उसका अपना एक घर हो जहां वो अपने परिवार के साथ सुख से रह सके। कोविड काल में आर्थिक गतिविधियां लॉकडाउन के कारण लगभग समाप्त हो गई थी और इससे रियल एस्टेट व्यवसाय पर भी बड़ा विपरीत प्रभाव हुआ था। लोगों की वित्तीय क्षमताएं सीमित हो जाने के कारण संपत्तियों का क्रय विक्रय भी प्रभावित हुआ है। अब हम चाहते हैं आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आए, उसके लिए भी अनेकों कदम उठा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ रियल एस्टेट में कैसे बूम आए इसके लिए भी हम हर संभव प्रयास करेंगे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीदी और बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी पर पहले 3% सेस लगता था, अब उसको घटाकर 1% किया जाने का एक बड़ा फैसला हमने लिया है। सीधी सीधे स्टाम्प ड्यूटी के सेस पर 2% की छूट मिलेगी। मुझे विश्वास है कि इस छूट के कारण रियल एस्टेट में कारोबार तेजी से बढ़ेगा, लोग अपना मकान खरीद सकेंगे। अभी ये छूट 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। कैसे और आर्थिक गतिविधियां बढ़े और रियल एस्टेट में और कामकाज कैसे बढ़े, इसके लिए ये कदम उठाया गया है और कदमों पर भी विचार कर रहे हैं। तो आप देखते रहे न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।